भाजपा ने आगरमालवा की सीट से मधु गहलोत को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल यह सीट कांग्रेस के कब्जे में है। टिकट तय होने के बाद एमपी न्यूज से चर्चा के दौरान गहलोत ने कार्यकर्ताओं की मेहनत से सीट को भाजपा के खाते में लाने की बात कही है। एमपी न्यूज संवाददाता समर्थ सिंह राजपूत से ये खास बातचीत की, देखे ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी। उसी में आज हमारे साथ इस वक्त हम आगरमालवा जिला मुख्यालय पे खड़े हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हैं मधु गहलोत जी, मधु जी साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। पहले भी हमने सर आपका इंटरव्यू करा था, तब भी आपने बोला था अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं क्षेत्र में जाऊँ, जनता के बीच में जाऊँगा। जो क्षेत्र लंबे समय से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कहीं ना कहीं मैं लोगों के बीच में जाकर काम करूँगा, क्या लग रहा है इस बार? आप पार्टी ने आपको मौका भी दिया, जनता के बीच में जाओ, किन मुद्दों पर? बस भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर दिया है उस अवसर को लेकर के हम पहले चुनाव को जीतें। और क्षेत्र के अंदर सबसे मेन कमियां है उद्योग की, इस क्षेत्र के अंदर रोजगार की कमियां हैं, उद्योग लेके आना है और युवाओं को उद्योगपति बनाना है, जो रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराना है, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सर अभी यहाँ देख सकते हैं, अगर मेरे सहयोग दिखा सके तो यहाँ बड़ी संख्या में इनके समर्थक दिख रहे हैं जो बधाई देने आए हैं, कैसा लग रहा है? या इन्हीं के दम पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे और यही हमारी ताकत है, इन्हीं की बदौलत मुझे टिकट मिला। ये वह है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक वर्तमान नितिन वानखेड़े, उनसे आपका सीधा मुकाबला होगा, क्या लग रहा है? वानखेड़े का मुकाबला मुझसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है और उन्हें सम्मान 25,000 वोटों से हम हरा करके और हम लगभग इंदौर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आखिरी सवाल है, क्या अपील करेंगे क्षेत्र की जनता से और जो नेताओं? मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे एक अवसर दिया है, इस अवसर को आप मुझे आशीर्वाद के रूप में दें और इस आशीर्वाद के रूप में मैं विधायक बनूं और आपकी सेवा का अवसर मिले और मैं आपके बीच हमेशा पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ काम करूं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ मौजूद थे हम तुम्हारे साथ हैं प्रत्याशी बनाए हम तुम्हारे साथ हैं कांग्रेस के जो विधायक हैं विपिन वानखेड़े, उनको 25,000 वोट कराएंगे। समरथ सिंह राजपूत, एमपी न्यूज़, आगरमालवा।